वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब ठीक हैं। तो आज है डे 3 इन नैनीताल। सो हो गई है सुबह और हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इको के। प्रशांत और आयरा बाहर जा चुके हैं। बस मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह तो लग रहा था थोड़ा क्लाउडी है, बट हमें लग रहा था कि बारिश होगी, बट टच वुड बारिश नहीं है। तो बारिश स्टार्ट हो तो उससे पहले जो कल हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, हम उनको आज एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इको के और आपसे वहाँ पर पहुँच के मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं राजभवन। हम जा रहे थे इको के, पर उसके रास्ते में ही पहले पड़ता है राजभवन, तो हमने सोचा हम वहाँ पर हो आते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं वेदर कितना फॉग हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बट हमारा ही हमें नहीं पता था कि यहाँ पे स्लॉट होते कि 11 बजे 12 बजे ही एंट्री हो सकती है, फिर 1 बजे एंट्री होती है। तो 11 बजे वाला स्लॉट हमसे तो मिस हो गया। अब 12 बजे ही हम एंट्री कर सकते हैं। तो अभी तो मैक्सिमम 40 मिनट्स अभी 12 बजे में। तो हमने सोचा कि हम यहाँ के आसपास का जो और चर्च भी है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो टिकट्स वगैरह बस 5 मिनट पहले ही मिलती है, आप पहले लेके नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि साइड में एक चर्च है, तो हम अपने का भी हमारे पास 40 मिनट्स है तो उसको यूटिलाइज करते हैं। और मैं आपको चर्च दिखाती हूँ यहाँ पे जो पास में है। और अब मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। पहले सुबह धूप निकल रही थी, धूप निकलते एकदम से फॉग हो गया है, इतना प्लेजेंट वेदर है। तो चलते हैं चर्च। आयरा उधर क्या कर रही है? आयरा वहाँ छोटा सा मंदिर है तो उसकी वो घंटी बजा रही है। आयरा स्लीपर्स से नहीं करते बेटा मंदिर में। हाँ तो मैंने दिखा दिया था कि पीछे इतना फॉग, मैं अभी मैं ध्यान मतलब वेदर दिखाती हूँ। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले तो धूप थी और मतलब 5 मिनट्स के अंदर वेदर टोटली चेंज हो गया। यहाँ पता नहीं चल रहा कब ठंड है कब गर्मी है। देख सकते आप कितना फॉग है। और यहाँ पे आयरा बस बेटा चलो चर्च चले। तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे राजभवन के साइड में ही चर्च है। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम यहाँ पे चर्च चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं आसपास की क्या जगह है। हाँ जी बेटे, चर्च है। नहीं बेटे, चर्च में कोई मम्मी वम्मी नहीं है। एक तो ये बच्चे इतनी हॉरर वो देखते हैं, इनको हर चीज में वो लगता है। आज संडे, चलो चर्च ओपन होगा। बंद है संडे को तो चर्च ओपन रहता है ना। यहाँ तो चर्च बंद है, चलिए उसको देखते हैं वहाँ पे। मुझे लगता है ये पुराना होगा, इसको बंद करके वहाँ पे ओपन किया होगा, है ना। चलिए देखते हैं। सो गाइज, अभी हमने कॉफ़ी वगैरह पी कैंटीन में और बारिश आनी शुरू हो गई है, हल्की की बूंदें स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है ज़्यादा तेज़ बारिश ना आ जाए। और मैं आपको टिकट्स का बता देती हूँ। एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन है और जो तो 5 to 12 ईयर्स वाले हैं उनके लिए 20 रुपीज़। जो बिलो 5 है उनके लिए कोई टिकट चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं और प्रशांत जो टिकट ले रहे हैं। सामने है टिकट काउंटर, वहाँ प्रशांत गए हैं टिकट्स लेने के लिए। ये यहाँ से इसकी है मेन एंट्री, यहाँ से हम एंटर करेंगे। इसमें हाँ, ये स्लिंग बैग लेके जा सकते हैं ये भी। तो आप टिकट प्राइस देख सकते हैं, एडल्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन और चिल्ड्रन 5 to 12 के लिए 20 रुपीज़। रोड बैग रोड चलते हैं ना। ओके। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे आपको ये अपना मतलब शोल्डर बैग या वगैरह नहीं ले सकते हो, आप ये स्लिंग बैग या अपना पर्स कैरी कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते वो आप, पर आप गेट पे डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ पे रखना है। तो प्रशांत, वेदर एकदम से कैसे बदल गया? और आज सुबह प्रशांत यही कह रहे थे कि ना बारिश हो जाए यार, पहाड़ों में आए और पहाड़ों की बारिश नहीं देखी। और मैं इनको ये बोल रही, तुमने सुबह ऐसे बोला था और तुम्हारी बात सच हो गई। बट ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे। और आज का ही दिन है क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है यहाँ से। तो जो जो जगह रह गई हम वो एक्सप्लोर कर पाए देख पाए।
होपफुली क्रॉस फिंगर क्रॉस कि वेदर अच्छा ही रहे। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी ग्रीनरी और कितना अच्छा लग रहा है। आयरा ओ हीरोइन आयरा बेटा धूप नहीं है, आप गॉगल्स उतार दो। नहीं है बेटा धूप, गॉगल्स रिमूव कर दो। हाँ हाँ वो ही रहता होगा। हाँ तो आयरा सोनो तुम्हारी बेटी गॉगल्स नहीं उतार रही है। तो यहाँ पे सीधा हम एंटर करते हैं, तो सामने आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे मतलब बोर्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं उधर गोल्फ कोर्स है और लेफ्ट में आपका राजभवन है। सो गाइज मैं एंटर कर राजभवन एंटर करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। जो ये राजभवन है इसको गवर्नर हाउस भी बोला जाता है और ये आई थिंक 220 एकर्स में पूरा बना हुआ है। इसमें गोल्फ कोर्स है और यहाँ पे है 113 रूम्स। उस टाइम ये ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था और जब ब्रिटिश समर्स में यहाँ पे आते थे अपने टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे रहने के लिए। और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब किशन इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सी जगह से सिमिलर था? बकिंगम पैलेस की तरह है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्योंकि अंदर हो सकता है शूट करना अलाउड ना हो, इसलिए मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले ही मैं आपको बता देती हूँ और चलते हैं फटाफट क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो गई है। और ये आ गया है राजभवन और आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है क्योंकि इतना फॉग हो गया है बारिश की वजह से। बारिश भी स्टार्ट हो गई है यार, ये तो कुछ दिख ही नहीं है। प्रशांत कुछ दिख ही नहीं रहा यार बाहर से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या। अभी अंदर चलते हो, बारिश आ गई तेज से, चलो अंदर। और आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हो, बारिश की आवाज़ आ रही, फॉग की वजह से इतना क्लियर नहीं है बट फिर भी अब तो दिख रहा है ये बाहर से। चलिए चलो चलो चलो। तो गाइस आप पीछे देख सकते हैं राजभवन और अब उस टाइम तो फॉग हो रहा था बट अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फॉग हट गया पर बारिश अभी भी हल्की आ रही है और अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, ना फोटो क्लिक कर सकते थे। तो फिर हमने उनके रूल्स फॉलो किए और हमने कुछ भी शूट नहीं किया अंदर, ना फोटोज क्लिक किए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी जो इसका बिल्डिंग है वो बकिंगम पैलेस की तरह ही है, उसका कहते हैं ना छोटा वर्जन है उसके जैसे यहाँ पे बनाया गया है। हाँ तो आप चलते हैं। और प्रशांत कैसे लगा आपको? ठीक नहीं है पर अंदर से जेन्युइन, हाँ बारिश हो रही है बट अंदर से बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर आप नैनीताल आते हो तो डेफिनेटली यहाँ आओ, आके पता चलता है कि पुराने ज़माने पे यहाँ पे मतलब जो अंदर से फर्नीचर वगैरह था कैसे वुडन वर्क किया गया था, तो बहुत जेन्युइन बहुत अच्छा लग रहा था। और जो यहाँ के गाइड थे उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया। तो अभी हम चलते हैं, तो बारिश आ रही है, अभी आगे का प्लान क्या होगा? अगर बंद हो गई तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो वापस होटल जाएंगे। तो प्रशांत बताओ क्या लगता है, वापस होटल चले या फिर घूमने चलते हैं? हाँ पर उससे पहले हम कहीं से रेनकोट मिल लेते हैं अगर रेन मिल जाता तो, क्योंकि हम तो अपना फिर भी मैनेज कर लेंगे, आयरा हमारे साथ है तो उसको ये लगता है कि बीमार ना हो जाए बच्चा। तो
रहा इको केव पार्क और ये रहा सामने टिकट काउंटर। पिशान टिकट ले रहे हैं एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़ फॉर एज 5 to 10। हाँ हाँ वो मेरे को बता दिया है, तो आयरा की कोई टिकट नहीं लगेगी। और ये यहाँ से है इसकी मेन एंट्री। चलिए चलते हैं अंदर। स्लिपरी है थोड़ा ध्यान से। अरे ध्यान से गुड्डा, मम्मा का हैंड पकड़ के रखना है। अभी चेन्स भी है सपोर्ट के लिए। नहीं अभी तो एंट्री ले लूँगा पहले। अरे हेलो कर रहा है आपको। आपको ये वाला ही देखा था ना आपने, कैसा लग रहा है? हेलो इधर से नहीं। तो गाइस ये थी यहाँ से एंट्री, हम आ चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं। आयरा कम बेटा। आयरा क्या हुआ? आयरा वो वहाँ पे ट्री है वो ऐसे आइस ब्लिंक कर रहा है, उसमें से अभी आवाज आई। आयरा देखो डर गई। अब से होगी एंट्री, यहाँ पे हो रही है हमारी टिकट चेक। आयरा कम बेटा। अभी इधर की साइड क्या है? अच्छा जो केव्स है उनके नेम से ये नाम है ना। हाँ हाँ कितनी केव्स है? 6 किलोमीटर ओके थैंक यू। अरे ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं केव में, यहाँ पे 6 केव्स हैं और जो 6 केव्स के नेम्स हैं वो एनिमल पे बेस्ड है। किसी टाइगर कौन कौन सी केव्स है? फ्लाइंग फॉक्स केव, बैट केव, टाइगर केव, पैंथर केव, यहाँ पे 6 केव्स हैं जो एनिमल के नेम पे बेस्ड है वहाँ पे, क्योंकि बोला जाता है कि जो उनकी शेप है वो कुछ कुछ और एनिमल्स से मिलती जुलती है तभी उनके नाम उन एनिमल्स पे है। और अभी चलते हैं हम केव्स को देखने के लिए। और यहाँ बारिश हुई है ना, थोड़ा सा स्लिपरी हो गया क्योंकि मिट्टी और वो है, पर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मैं दिखाती हूँ चारों तरफ, इतनी ग्रीनरी हो रखी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फॉरेस्ट में आ गया हो। और जो ये पार्क है ये वैसे तो सभी एज जिसके लिए है, बट ये पॉपुलर फॉर बच्चों के लिए ज़्यादा है। यहाँ हम बच्चों को पिकनिक के लिए भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर आगे बच्चे क्या है कि नेचर को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, उनके लिए ये लर्निंग हो जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे गरम पैंथर केव, ये सारी केव्स के नेम्स लिखे हुए आप देख सकते हो। चलो हाँ यहाँ पे है टाइगर केव, और टाइगर केव में टाइगर की आवाज आ रही है। और ये प्रशांत आप शूट करो, हम लोग अरु टाइगर की आवाज है तो देख के ध्यान से। नहीं बेटा स्टेयर्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, टाइगर नहीं है इसमें। ये तो ये उधर है, ये रहा स्पीकर है बेटा, ये स्पीकर है, ये रहा स्पीकर है। चलो देखो ध्यान से, आरू को पकड़ना, रुक लो लो आगे चलो, तुम आगे चलो। आरू को यहाँ पे भी गंदगी देखना, कितनी चिप्स डाले हुए हैं बताओ। लोग ऐसी जगह पे आते हैं। अरे वेट मम्मा आ रही है मेरे को, मैं जाऊंगी नेक्स्ट शेयर में। अब तो जाना भी पड़ेगा हर जगह, रास्ता बना वापस यहीं से जाना पड़ेगा। देखना क्या है पूरा केव है, रियल हो रहा है। तो बेटा स्लिपरी है, देख गया बाहर जाने का रास्ता। आरू बच गए हम,
केव में से हम बाहर निकल सकते हैं? अरे आराम से फूट गया। चलो चलो आरू आप चलो ऊपर चलो ध्यान से देख के। थोड़ा सा मैं जा सकता हूँ? हम बच गए? रास्ता नहीं आया, पैंथर की आ गई। अब वेट, पापा को जाने दो। रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया? रुको बेटा, रुको बेटा एक मिनट जाने दो मुझे। हाँ एक मिनट रुको, पहले नहीं जाने दो मुझे। क्या हुआ आयरा? थक गए? ये केव्स बिल्कुल। आयरा वेट, पापा लेंगे आपको। चलो धीरे धीरे चलो। रियल केव एक्सपीरियंस। हम बच गए। बच गए? सच में? आज मिसाल आ गया। हाँ आप बच गए। क्या था अंदर? गुफा थी। ऊपर वो उनकी कह रही है वो ट्रैम्पलिन पार्क टाइप। चलो आरो इधर से चलो। पोर्क्यूपाइन के चलो आरो ऊपर चलो ऊपर ऊपर ऊपर। आयरा ऊपर भी आओ स्विंग्स पे। रहने तो गीले हो गए थे। यहाँ से चढ़ जाओ। ये कहाँ पे आप कर रहे हैं? कैसे? हाँ नया कुछ नया करते हैं। हाँ चलो धीरे धीरे आना, धीरे धीरे वो इस पे कर लेता है। सहज इस पे कर, दिखाओ सहज। सो गाइस हम केव से आ चुके हैं और आपने देखा होगा वो थोड़ा रिस्की है, बारिश हो रही थी तो थोड़ा स्लिपरी हो रहा था, बट फिर भी हमें मजा आया। तो हम सिर्फ दो ही केव में गए क्योंकि सारी केव सेम ही थी, तो वो एक्सपीरियंस गए आई थिंक दो केव काफी थी। और आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के लिए स्विंग्स और स्लाइड्स हैं, तो बच्चे वो इंजॉय कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कि आयरा क्या कर रही है। आयरा, आयरा कहाँ गई? मैं इसको ढूंढ रही हूँ। आयरा मम्मा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? वो रही देखो यहाँ पे गार्डन कितना सुंदर है, केव गार्डन। गाइस हमने घूम लिया है इको केव पार्क, अब हम जा रहे हैं वापस। और आयरा थक गई है, आयरा भी अपने पापा की गोदी में है क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं लवर्स पॉइंट और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, तो हम लोग पहले मतलब लवर पॉइंट जाने से पहले हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आयरा और वो बैठे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। आयरा हेलो करो। नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। आयरा ये साइड मार रहा है भाई आपका घोड़ा, ये सटा दिया मेरे को। आ जा भाई। आयरा मजा आया? 15 मिनट तो नहीं हुए तुम्हें? एक फोटो, अरे फोटो पकड़, अंगल पकड़ के रखेंगे। सो
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट। हाँ जी, चल रहा है, चल रहा है, खींचो नहीं गिर जाएंगे। क्या क्या लेना है? नहीं, शाम को बोला था प्रॉमिस के लिए। चलो ध्यान से। नहीं, रात को तो यहाँ से आप शूट, यहाँ से so guys, हम लोग आए हैं लवर पॉइंट से। अब जा रहे हैं हम अबोड लैंड वाटरफॉल, जो लव पॉइंट से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस एक ये पॉइंट रह गया है जो अभी हमने घूमा नहीं है। और यहाँ नैनीताल के जितने भी फेमस पॉइंट्स थे वो हम सारे घूमे हैं। तो बस रह गया अब एक नैना देवी मंदिर, वो हम शाम को ही जाएंगे, वहाँ पे शाम की आरती अटेंड करेंगे। और गाइस, रास्ते में इतने अच्छे अच्छे नज़ारे, इतने अच्छे व्यू है, देख के मज़ा आ रहा है। और मौसम में इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में व्यू कैसा है। सो गाइस, देखिए यहाँ से व्यू कितने सुंदर है। रास्ते में ऐसे लग रहा है कि सफ़र चलता ही जाए, ख़त्म ना होए, है ना। देखो नीचे देखो, वाओ, हम पहुंच चुके हैं वुडलैंड वाटर पार्क। बट अभी हमें भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो यहीं पर हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है। तो हम सोचे पहले डिनर कर लेते हैं, फिर जाएंगे वुडलैंड। और फ़ोन में भी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो उसे चार्ज कर लेते हैं और चलिए चलते हैं। चलो खाना खाएंगे, चलो आपको सब दिलवा देंगे। चलो आप चलो, सो गाइज, ये है सामने टिकट काउंटर और टिकट का प्राइस है 50 रुपीज। एक बार थोड़ा सामने। तो गाइस, हम आ गए हैं वुडलैंड वाटर फॉल पे, और जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज पर पर्सन है, और 5 साल के तक के बच्चे के लिए कोई टिकट्स नहीं है। और यहाँ पे बहुत सुंदर है, मैं दिखाती हूँ आपको। आयरा, ये क्या है? आयरा, क्या है ये? क्या है ये? लेपर्ड है बेटा, रियल है? क्या बात को ना, बाघ तो टाइगर ही होता है। अच्छा, चलो चलते हैं। ऊपर क्या है? और ये रहा सामने वाटरफॉल। I guess we're going to
क्या कितना ठंडा ठंडा पानी था? बहुत ठंडा। आए रहा क्या? आए रहा कोट नहीं बेटा फीवर आ जाएगा। अरे नहीं बेटा नहीं। क्या पानी ठंडा था ना बेटा? बहुत ठंडा था। ठंडा था? ठीक है ठीक है ठीक है। रुको 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 रुको। आए रहा मजा आया? मम्मा की तरफ देखो बेटा एक मिनट रुको। अभी मेरी ना यहीं दूर खड़े की बात करो एक मिनट अभी मेरी ना हाँ चप्पल ना नीचे चली जाती फिर मिलती नहीं नीचे। अच्छा और पानी कैसा था? चिल था। बहुत चिल था ठंडा था बर्फ के जैसे। अच्छा बिल्कुल अच्छा बर्फ जैसे आइस वाटर। अब ठंड तो नहीं लग रही अब? अच्छा तब तो लग रही थी है ना गंदू। मजा आया? हाँ। चलो जीन्स नीचे कर लेते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं वुडलैंड वाटरफॉल देख के और अब हम अपने अपने होटल की बालकनी में बैठे और हम चाय भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो ठंड बारिश हुई है और ठंडा वेदर हो गया ठंड लग रही है तो बस अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लें और फिर दोबारा जाएंगे घूमने के लिए क्योंकि अभी तो हमें नैना देवी मंदिर भी जाना है और सोचे जाने से पहले आज दोबारा बोटिंग कर लेते हैं। तो बस अभी हम थोड़ा चाय अपना पी लेते हैं और बस उसके बाद दोबारा रिफ्रेश होकर हम यहाँ से निकलेंगे। और ये प्रशांत प्रशांत ये तुम कुछ तो बोलो व्लॉग में। आ तो रहा हूं बहुत है। ये बहुत थोड़े शाय नेचर के इनको कैमरे के सामने थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं है आना तो कोई बात नहीं वो जिम्मा मैंने उठा रखा है। तो बस अभी हम रिफ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 1 आवर लेटर। हेलो मजे आ रहे हैं आयरा को? मजे नहीं आ रहे? नहीं क्यों? इसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ से हट जाऊँ बस ये अकेले इस पे बैठे हैं। अकेले बैठना है आपको? ओहो महारानी पैर दबाओ महारानी के पैर दबाओ गला दबा दूँ महारानी का। यार ठंड लग रही है बहुत ठंडी हवा चल रही है। और सो गाइज हम लोग बोटिंग करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। उससे पहले मार्केट भी पड़ती है तिब्बत मार्केट तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे तो चलिए चलते हैं। और ये है यहाँ का मॉल रोड। हो रही है आयरा और प्रशांत। आयरा को टॉय लेने इसलिए उसको ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये यहाँ से नैना देवी टेम्पल का रास्ता लिखा हुआ सामने बोर्ड पे देख सकते हैं आप। कर ली और भी है भी आगे और भी है। क्या हो गया इसको? ये भी और भी नहीं है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं गुप मार्केट में और हम मार्केट में आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। थोड़ी सी भूख लगी थी और गोलगप्पे तो किसको पसंद नहीं होते तो हमने सोचा हम गोलगप्पे खा लेते हैं। मैंने इसे टच करके खा लो। मीठा लगाऊं? हाँ मीठा लगा देना। बुधवार आए चले अंदर? मार्केट अच्छी है ना यहाँ पे? आप पीछे देख सकते हैं ये तिब्बत मार्केट है जो जस्ट नैना मंदिर से पहले और यहाँ पे विंटर का स्टफ इतना अच्छा है कलेक्शन बड़ी अच्छी है तो हम सोचे पहले दर्शन कराते हैं फिर तसल्ली से शॉपिंग करेंगे। जो ये तिब्बत मार्केट है जिस मंदिर से पहले है तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने ये मंदिर है और मंदिर की मेन एंट्रेंस है और आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास बहुत सारी शॉप्स एंड स्टॉल्स हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं पूजा का सामान ले सकते हैं। तो यहाँ से प्रशांत प्रसाद ले रहे हैं तो बस अभी हम प्रसाद लेके फिर चलेंगे मंदिर के अंदर।
ये है एंट्री, देखो। और यहाँ पे अपने आप शूज वगैरह रिमूव कर सकते हो। ये मंदिर में जाना है तो उससे पहले आपको शूज रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे शूज रैक की फैसिलिटी भी है, आप अपने शूज यहाँ पे रख सकते हो। जाएंगे आयरा, हाथ जोड़ो, जय करो बेटा। कर दी, चलो बैठो। सो फ्रेंड्स, हमने नैना देवी के दर्शन कर लिए हैं और कहा जाता है ये 64 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, तो इसका दर्शन करना तो हमारा बनता ही था। और यहाँ आकर हमको इतनी शांति मिली और बहुत अच्छा लग रहा है। और नैनीताल आए और नैना देवी मंदिर ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ बैठ के हमें इतना अच्छा लग रहा है, मतलब। और आप सामने देख सकते है नैनी लेक। और कहा जाता है जो इसकी शेप है वो आईज की शेप में है, उसकी वजह से ही उसका नाम नैनी लेक पड़ा है और उसी से नैनीताल। तो हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो चलिए चलते हैं, चलो। दर्शन करके आ गए हैं और अंदर वीडियो बनाना और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, बट हम जहाँ जहाँ पे अलाउड था हमने वहाँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। और हमने सोचा कि आपको जरूर दिखाएंगे, ऐसे जितना हो सका हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट जहाँ पे नहीं था हमने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और यहाँ आयरा पीछे ले रही है टॉय, उसको टॉय 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 चाहिए, तो बस उसको टॉय दिलवा देते हैं। मैं अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ और दिखाने वाली, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बारे में बताती हूँ। आप उधर देख सकते हो, उधर नैना देवी मंदिर है और उसके पास में ही गुरुद्वारा है। और यहाँ देखिए सामने आपको दिख रही होगी हाँ मस्जिद और चर्च। तो कितनी अच्छी बात है ना कि एक जगह पर ही चारों चीजें हैं, आपका गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है और मंदिर है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग की एंडिंग लेना भूल गई थी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।